I am Rahul and welcome to the channel ECLE. Everybody can learn English, you can learn English. और स्वागत है आपका ECLE के चैनल पर. और आज की क्लास प्रैक्टिस क्लास है जो हमने लेट की जो एडवांस पढ़ी थी कल की, उसके मैं कुछ सेंटेंस लेकर आया हूँ. आपको मैं बनाकर बताऊंगा उसके सेंटेंस आप कैसे बना सकते हैं, कैसे इन सेंटेंस की एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस थोड़े से क्रिटिकल है, इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी हो रही है. इसलिए मैंने सोचा कि अभी सबसे पहले मैं क्या करूँ, सबसे पहले मैं आपको इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करा दूँ, आपका अभ्यास करा दूँ, ताकि आप अच्छे से इन सेंटेंस को बना पाओ, प्रैक्टिस कर पाओ इस सेंटेंस कैसे बनेगी. ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. ओके, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप वीडियो को देख सकते हैं, या फिर जो लास्ट वाली वीडियो है, जो लेट वाली वीडियो है वो आप देख सकते हैं. ठीक है, तो आज हम लेट की प्रैक्टिस करेंगे. पहले सेंटेंस से बनाएंगे, उससे पहले थोड़ा सा एक बार हम किसमें स्ट्रक्चर पर चले जाते हैं. ठीक है, और आज हम 6 प्रकार के स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, क्योंकि कल की जगह की कमी थी, लेकिन थोड़ी सी आज हम देख लेते हैं. ठीक है, तो स्ट्रक्चर पर एक बार और नज़र डालते हैं. ठीक है, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होता है, इसमें रहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मतलब HV, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. थोड़ा सा बड़ा लिखने दो. ठीक है, हाँ ये है, हाँ ओके. क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स, क्या आएगा, मॉडल्स आएगा. ठीक है, प्लस क्या आता है, प्लस आता है आपका लेट प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ब बोल सकते हैं, या फिर हम अदर वर्ड हम बोल सकते हैं. ठीक है, ये V2 बोल सकते हैं, ऐसे आता है. ऐसे नेगेटिव में क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस HV प्लस मॉडल. ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि आप सब में ऐसा यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, प्लस नॉट आ जाएगा, प्लस लेट आ जाएगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और वर्ब आ जाएगी, और क्या आ जाएगा, अदर वर्ड आ जाएगी. ऐसे ही उसमें जाते हैं इंटरोगेटिव में, HV या फिर मॉडल, HV मतलब हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, लेट आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब आएगी आपकी, और आपको अदर वर्ड आएगा. आए समझे, ऐसे फोर्थ वाला बना लेते हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे. इसलिए मैं आप इसको सेंटेंस को अब मैं आपको बनाना बता रहा हूँ. ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है हर बार की तरह, जैसे हम लगाते हैं, फिर लेट लगा देते हैं, लेट. ठीक है, लेट के बाद फिर ऑब्जेक्ट और वर्ब और अदर वर्ड. ठीक है, वी फॉर वर्ब. ठीक है, नेक्स्ट वर्ब आएगी. ठीक है, लेकिन लेट भी क्या है, वर्ब है, तो हम इसको हम सेकेंड वर्ब भी हम बोल सकते हैं. फोर्थ वर्ब लेते हैं, HV प्लस मॉडल. मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबकी प्रैक्टिस करानी है अभी. ठीक है, सॉरी, हमें क्वेश्चन वर्ड बनाना है, हम चार बना लिए हैं. तो QW तो हम लिखते ही हैं, HV प्लस मॉडल, ऑब्लिक में आएगा. ठीक है, प्लस सब्जेक्ट. ठीक है, प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस नेक्स्ट वर्ब रहेगा आपकी, और अदर वर्ड रहेगा. ऐसे ही फोर्थ वाला स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, क्या आएगा, HV ऑब्लिक मॉडल. क्या तो HV, क्या तो मॉडल आएगी, या क्या आएगा आपका, या आपका कोई हेल्पिंग वर्ब आ सकती है. ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड. ठीक है, यहाँ नॉट लगाना, सॉरी, या सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देते. तो ये 6 प्रकार के स्ट्रक्चर मैंने आपको जो बताए हैं, आपको ऐसे बनाना है. तो इसी आधार पे आपको सेंटेंस आप बना सकते हो, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, बस आपको क्या इसका अभ्यास करना. इसलिए मैंने सब प्रकार के आज मैंने सेंटेंस क्या है लिखे हैं, सब प्रकार के. मैं थोड़ा सा बोर्ड में झुक गया. ठीक है, तो यह सब्जेक्ट के बाद क्या नोट है यहाँ पर. ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं बताऊंगा सेंटेंस आपको कैसे बनाने हैं. ठीक है, कल ही बताया था, आज भी मैं बताऊंगा. तो 1 2 3 गुड. आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा. ठीक है, अब हम चलते हैं सेंटेंस की हम प्रैक्टिस करना है. हमें क्या करना है, सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है, सेंटेंस का हमें अभ्यास करना है, एक्सरसाइज करना है, आप सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे. ठीक है, इनको देख कर हम सेंटेंस बना सकते हैं. तो इसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब और मॉडल बताया, हेल्पिंग वर्ब आपका मॉडल, तो हो सकता है कोई मॉडल हो, या कोई हेल्पिंग वर्ब किसी में टेंस में यूज हो जाती है. ठीक है, तो हो सकता है यूज, लेकिन दो में से एक का होगा.
दो में से एक का होगा, ठीक है। तो आपको आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा। अगर आपने प्रीवियस वाली अगर वीडियो आपने देखी होगी, आप सेंटेंस बनाते आते होंगे, कैन वाले, कुड वाले, या फिर मैंने बहुत सी चीज़ें बताई हैं, टेंसेस बताए हैं थोड़े से, तो उन वक्त देखे होगा, तो आप आसानी से आप इनको बना सकते हो आसानी के साथ। एक बार स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, अब आप बना सकते हो आसानी से, ठीक है। तो मैं इसको आप मिटा देता हूँ, इसको मैं क्या कर दूँ, रब कर दूँ। आपको अब सेंटेंस के अनुसार आपको पता करना है किसका सेंटेंस है, उसके अनुसार आपको सेंटेंस को आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ओके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, और फिर हम बनाते हैं सेंटेंस, एक एक सेंटेंस बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर सॉरी उसका डिस्कस करेंगे, इसी के सामने लिखेंगे वो सेंटेंस, ठीक है। आपको थोड़ा सा पता नहीं क्यों गला मेरा खराब हो रहा है, ओके। तो हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, महेश किस तरह उसे कला चार महेश किस तरह उसे कार चलाने दे सकता है, ठीक है, चलाने दे सकता है, सकता है पढ़ाया था ना मैंने कैन का, तो किस तरह दे सकता है, तो स्ट्रक्चर आपने देख लिया ना कैसे बनाना है, ठीक है। तो अब देखो किस तरह का मीनिंग क्या होती है, पहले ये आपको पता करना पड़ेगा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द किस तरह की मीनिंग क्या होती है, मतलब व्हाट टाइप, ठीक है। तो क्या आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, मैंने बताया था ना व्हाट टाइप क्वेश्चन वर्ड वाला है, फिर क्या लगाते हैं हम, लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल, तो ये क्या है, ये मॉडल है सकता, तो व्हाट टाइप कैन कैन आएगा। अब कौन चलाने दे सकता है, महेश, तो उसमें क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा, वॉट टाइम महेश, उसके बाद क्या आता है लेट आता है, आएगा ना वॉट टाइम महेश लेट, उसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, किसे नहीं चला सकते उसे, तो उसे मतलब ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है हिम, फिर क्या कर रहा है ड्राइव, क्या कर रहा है ड्राइव मतलब चला रहा है, तो ड्राइव, ठीक है, ड्राइव और कार, ठीक है। आई थिंक आपको थोड़ा सा स्मॉल वर्ड में लिखना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ी सी जगह के स्पेस की थोड़ी सी कमी है, ठीक है। तो व्हाट टाइप कैन महेश लेट हिम ड्राइव कार, महेश किस तरह उसे कार चलाने दे सकता है, बना लोगे ना आसानी से, आप बना लोगे, ठीक है। और हम 10 बार सेंटेंस बना रहे तो आपको आई होप आपको समझ में आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वह मुझे खाना नहीं देता है, वह मुझे खाना खाने नहीं देता है, क्या नहीं करने देता है, खाना खाने नहीं देना देता है, किसे मुझे, किसका है देता है, ता है ती है ती है, किसका है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। तो वह मुझे खाना खाने नहीं देता है, मतलब वह मीन्स ही, कौन नहीं देने देता है वह, तो वह मुझे खाना खाने नहीं देता, मतलब ही डज नॉट, क्या नहीं खाने देता खाना, तो लेट किसे मुझे, तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है मी, तो ही डज नॉट लेट मी क्या खाना, तो ईट फूड, ही डज नॉट लेट मी ईट फूड, बना सकते हैं बिल्कुल बना सकते हैं। इसका अगर इसका क्या क्या बनाना है, अफर्मेटिव बनाना हो तो एक बार बता देता हूँ कि भाई मुझे खाना खाने देता, तो एक ऐसा बनेगा ही, इसमें ऐसा ही लगता है तो इसमें ऐसे ही लगता है, ही लेट्स मी ईट फूड, ही लेट्स मी ईट फूड, ठीक है। तो हम अफर्मेटिव भी ऐसे बना सकते हैं, चलो ठीक है, इसको हटा दो, अगर आप बोलोगे तो मैं एक के छह प्रकार सेंटेंस किसी बता दूंगा, ठीक है। क्या पुष्पेंद्र ने तुम्हारा व्यापार बढ़ने नहीं दिया, रहा है क्या पुष्पेंद्र ने तुम्हारा व्यापार बढ़ने नहीं दिया, किसने पुष्पेंद्र ने नहीं दिया, दिया आकीबत की मात्रा है किसका है पास्ट इंडेफिनिट का, किसका है पास्ट इंडेफिनिट, और कौन सा सेंटेंस है ये पता इंटरोगेटिव है, तो क्या पुष्पेंद्र ने तुम्हारा व्यापार नहीं बढ़ने दिया, सो क्या आएगा फिर सबसे पहले डेड पुष्पेंद्र, ठीक है, डेड पुष्पेंद्र क्या नहीं दिया, थोड़ा स्मॉल वर्ड लिखना पड़ रहा हूँ, डेड पुष्पेंद्र क्या नहीं बढ़ने दिया व्यापार, तो नहीं सॉरी नहीं नहीं है, क्या पुष्पेंद्र तुम्हारा व्यापार बढ़ने दिया, सॉरी नहीं बढ़ने दिया, डिट पुष्पेंद्र क्या व्यापार, तो लेट किसका व्यापार तुम्हारा व्यापार, किसका तुम्हारा, तो डिट पुष्पेंद्र, डिट पुष्पेंद्र लेट योर बिजनेस क्या बढ़ना मीन्स ग्रो करना,
ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्या आया, योर बिजनेस, मतलब ये किसका किस में चला गया, ये ऑब्जेक्ट में चला गया। जरूरी नहीं है क्या किसी का नाम यूज, मतलब किसी का प्रोनाउन यूज हो, नाम भी यूज हो सकता है, ठीक है, पजेसिव फॉर्म में भी यूज हो सकता है, ठीक है। क्या वो तुम्हें राजनीति करने नहीं दे रहा है, क्या वो तुम्हें राजनीति नहीं करने दे रहा है, किसे वो, तो आएगा आर किसका है, दे रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो क्या आएगा आर दोज नॉट, ठीक है, लेटिंग क्या नहीं करने दे रहा, बिजनेस डू सॉरी पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स आर दीज आर दोज नॉट लेटिंग डू बिजनेस, ठीक है। तो ध्यान रखना जो आईएनजी फॉर्म में लगेगा ना वो भी किस में लगेगा, इसमें लगेगा आईएनजी फॉर्म में लेटिंग, आप बना लोगे ऐसे मुझे पता है। आर दोज नॉट लेटिंग डू पॉलिटिक्स, क्या वो तुम्हें व्यापार करने नहीं दे रहा है, तो हो गया मैं तुम्हें लिखने दे रहा था, मैं तुम्हें क्या करने दे रहा था, लिखने दे रहा था, मैं तुम्हें क्या करने दे रहा था, लिखने, ठीक है। तो कैसे आएगा, I was letting you write, ठीक है। तो जो भी ing फॉर्म में लगेगा वो उसमें किस में लगेगा, इसी में लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये मेन वर्ब है। आपको महेश को दुकान पर खड़े होने देना चाहिए, आपको महेश को दुकान पर खड़े देना चाहिए, किसको, महेश को, मतलब यू शुड, आप तो बना लोगे ना, आप तो कन्फ्यूज हो गए, क्या है, यू शुड लेट किसे होना खड़े, महेश को, यू शुड लेट महेश, यू शुड लेट महेश स्टैंड ऑन शॉप, एक मिनट, ठीक है, क्या है, स्टैंड ऑन शॉप या दुकान, ठीक है, दुकान पर खड़े हो गया। तो यू शुड लेट महेश स्टैंड ऑन शॉप, आपको किस पर, महेश को दुकान पर खड़े होना देना चाहिए। पापा हमें रात को जागने देते हैं, पढ़ाई के लिए जागने देते हैं, पापा हमें रात को जागने देते हैं, मतलब देते हैं, मतलब किसका प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब फादर क्या करने देते हैं, जागने देते हैं, किसके हमें, तो फादर लेट्स, फादर तो अकेले है ना, फादर लेट्स अस, फादर लेट्स अस अवेक इन नाइट। तो इस जो भी चेंजेस होगा वो आपके लेट्स के साथ ही होगा, ठीक है, क्योंकि लेट्स पहले है, समझे, क्या है लेट्स, क्या है पहले है, ठीक है। हम बच्चों को भविष्य के बारे में हम बच्चों को भविष्य के बारे में सोचने देना चाहते थे, ठीक है, इसमें था कर दूँ, इसमें थोड़ा सा मिट गया। हम बच्चों को भविष्य के बारे में सोचने देना चाहते थे, क्या चाहते थे, सोचने देना चाहते थे। तो ध्यान रखना वांटेड से बनेगा, किससे बने, किसका सेंटेंस है, वांट का है, वांट का पढ़ाया था ना, तो क्या आएगा, वी वांटेड टू लेट चिल्ड्रन थिंक अबाउट किसके बारे में, फ्यूचर, आया समझे, ऐसे आएगा, वी वॉन्टेड टू लेट चिल्ड्रन थिंक अबाउट फ्यूचर, बच्चों को भविष्य के बारे में सोचने देना चाहते थे, किसको, बच्चों को। ऐसे नेक्स्ट बोलते हैं, शिक्षक छात्रों को क्या महसूस करा देंगे, शिक्षक छात्रों को क्या महसूस करा देंगे, क्या देंगे, किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट का, किसका है, फ्यूचर इंडेफिनिट का, किसका सेंटेंस है भाई, फ्यूचर का, कैसा बनेगा, शिक्षक छात्रों को क्या महसूस कराने देंगे, तो क्या बीच में आ रहा है ना, तो क्या आएगा, व्हाट, व्हाट विल टीचर, व्हाट विल टीचर लेट किसको, छात्रों को, स्टूडेंट्स फील, हो गया, हो गया ना, आसान है, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, डिस्टर्ब नहीं होना, ठीक है। तो व्हाट विल टीचर लेट स्टूडेंट फील, क्या महसूस करा देंगे शिक्षक, मैं आपको किस तरह अंग्रेजी सिखा देना चाहता हूँ, मैं आपको किस तरह अंग्रेजी सिखा देना चाहता हूँ, किस तरह, व्हाट टाइप, किस तरह, ये है ना, तो क्या आएगा,
वॉट टाइप क्या कर रहा हूँ मैं सिखा दे रहे तो वॉट टाइप सिखा देना चाहता हूँ तो डू आई वॉट टाइप डू आई लेट किसे आपको यू लर्न इंग्लिश ठीक है आया ये भी क्वेश्चन वर्ड है ये भी तो इस प्रकार हम इसका बना लेंगे ठीक है बनेगा ना बनेगा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऐसे बनाते हैं शमानी तुम्हें कब केक काटने दे रही होगी इसका है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की शमानी तुम्हें कब केक काटने दे रही किसे तुम्हें तो क्या है कब कब का कब मीन्स क्या होता है व्हेन और क्या बनेगा व्हेन विल शिवानी बी लेट यू कट केक आया समझ में आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा आप इसके सेंटेंस बना लेगो बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वो क्या बे सुमित को कार चलाने नहीं दे सकते हैं क्या वो सुमित को कार चलाने नहीं दे सकते कार चलाने एक यहाँ भी आया था ना यहाँ ठीक है तो वो क्या वे दे सकते हैं तो कैन दे नॉट क्या कार कैन दे नॉट लेट सुमित ड्राइव कार तो इस प्रकार हमें सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है एक्सरसाइज करने ऐसे सेंटेंस बनाने स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था ठीक है और अगर ये आपने कल की क्लास अगर नहीं देखी है तो आप जाओ जरूर से जरूर उस क्लास को देखो और सेंटेंस बनाओ ठीक है तो एक बार रिपीट कर लेना चल एक बार हम रिपीट कर लेते हैं तो महेश किस तरह उसे कार चलाने दे सकता है मतलब व्हाट टाइप कैन महेश लेट हिम ड्राइव कार ठीक है वह मुझे खाना खाने नहीं देता ही डज नॉट लेट मी ईट फूड क्या पुष्पेंद्र ने तुम्हारा व्यापार बढ़ने दिया डिड पुष्पेंद्र लेट यू बिजनेस ग्रो ठीक है वो तुम्हें राजनीति करने दे रहा है ठीक है दे आर नॉट लेटिंग यू डू बिजनेस ठीक है यहाँ थोड़ी गलत हो गई किसे तुम्हें लेटिंग यू डू पॉलिटिक्स सॉरी यहाँ गलती हो गई थी लेकिन सुधार लेना ठीक है यहाँ यू आएगा अभी जो बीच भाग गए होंगे तो कहेंगे अरे वो तो हो गया ठीक है क्या आएगा क्या वो तुम्हें राजनीति करने नहीं दे रहा तो आर दोज नॉट लेटिंग यू डू पॉलिटिक्स मैं तुम्हें लिखने दे रहा था आई वॉज लेटिंग यू राइट मैं नहीं आपको महेश को दुकान पर खड़े होने देना चाहिए यू शुड लेट महेश स्टैंड ऑन शॉप ठीक है पापा हमें रात में जागने देते हैं तो फादर लेट अस अवेयर इन सॉरी अवेक है अवेक यहाँ अवेक हो गया गलत हो गया अवेक इन नाइट हम बच्चों को भविष्य के बारे में सोचने देना चाहते हैं वी वॉन्टेड थे सर वी वॉन्टेड टू लेट चिल्ड्रन थिंक अबाउट फ्यूचर शिक्षक छात्रों को क्या महसूस करा देंगे वॉट विल टीचर लेट स्टूडेंट फील मैं आपको किस तरह अंग्रेजी सिखा देना चाहता हूँ मतलब व्हाट टाइप डू आई लेट यू लर्न इंग्लिश ठीक है सिखाना मीन्स टीच करना मैं क्यों गलत कर रहा हूँ यार टीच होता है थोड़ा सा दिमाग से निकल गया सीखना तो व्हाट टाइप डू आई लेट यू टीच इंग्लिश किस तरह सिखा देना चाहता हूँ ठीक है सवानी तुम्हें कब केक काटने दे रही होगी मतलब व्हेन विल सवानी बी लेट यू कट केक ठीक है यहाँ भी गलत हो गया क्या हो रहा है राहुल तुझे लेटिंग यू करना है ठीक है क्या वो सुमित को कार चलाने दे सकता है कैन दे नॉट लेट सुमित ड्राइव कार तो हम इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाने लगते हैं मैंने भी थोड़ी सी गलती कर दी ठीक है थोड़ा सा आपको बताने के चक्कर में लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं भी इसको पहली बार ही पढ़ा है मैंने तो हो सकता है गलती लेकिन आप इस प्रकार से आप सेंटेंस को आप बना सकते हैं आप सेंटेंस को हम यूज़ कर सकते हैं तो आज की क्लास थी आपको क्लास कैसे लगी यू कैन टेल इन कमेंट बॉक्स और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस प्रकार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है
जिस वीडियो थोड़ी सी गलती होगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर जो लास्ट तक इस वीडियो को देख रहा होगा तो वो सही सीख कर चला जाएगा, ना तो कोई ना कोई गलत सीख रहे तो गलत बना चलना कर ले, ठीक है। तो लेकिन इस प्रकार हम लेट की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज क्या फ्राइडे है और इस वीक क्या लास्ट वीडियो है, और सैटरडे और संडे को हो सकता है एक आध वीडियो आ सकती है, लेकिन मुश्किल लग रहा है क्योंकि आई एम गोइंग टू आउटसाइड, मैं थोड़ा सा बाहर जाना, ठीक है। लेकिन मंडे को आपकी एक वोकैबुलरी क्लास होगी डेली 5 दिन और एक मेन क्लास होगी। तो अगर आप चाहते हो कि अगर 2 दिनों में आपको इनकी और प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करा दूँ इसकी, तो मैं आपको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और हाँ, अगर आपको कोई सेंटेंस बनाते नहीं कर रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ये सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर। आप खूब सारे सेंटेंस बनाइए, लेट्स की बनाइए, और आप अच्छी अच्छी अंग्रेजी सीखिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।